तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा एक व्यक्ति की मुकम्मल पहचान बन गया। जी हाँ, ये व्यक्ति आज़ादी का वो अमर सिपाही था जिसने आज़ाद भारत का सपना देखा, जिसने आज़ाद हिंद फौज बनाई, जिसने आवाज़ बुलंद की आज़ादी की, जिसने वादा दिया हम भारतीयों को कि खून के बदले आज़ादी मिलेगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस की। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज़स्तान। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का 125वां जन्मदिन है। जी हाँ, 1897 23 जनवरी को कटक यानी कि ओडिशा के एक घर में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। प्रभात देवी और जानकी बोस के घर इस व्यक्ति का जन्म होना इतिहास में कुछ नामांकन होने की एक तिथि बन गई। जी हाँ, पिता से कानून एवं अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की प्रेरणा मिली और माता से मिला दृढ़ता से अपने निश्चय के साथ जीवन को जीने का तरीका। व्यक्ति हमें आज़ाद तो कर गया लेकिन वो खुद गुमनामी में कहीं खो गया। जी हाँ, 18 अगस्त 1945 को ताइवान जाने वाले एक विमान में वो गायब हो गए। जी हाँ, एक्सीडेंट में विमान तो नाश हो गया लेकिन कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस की गुमनामी से हुई ये मौत कैद है। हम आज़ाद हो गए लेकिन आज भी सुभाष चंद्र बोस की मौत का रहस्य कैद है। दफन है उन पुराने पन्नों को जिनमें कई सरकारों ने वादे दिए उन्हें खोलने का। जब 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार आई तो उन्होंने आलोद किया कि वे देंगे सुभाष चंद्र बोस को पुरस्कार। जी हाँ, भारत रत्न मरणोपरांत के लिए, लेकिन उनके पोते एवं उनके परिवार ने मना कर दिया। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस के साथ धीरे 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 जुड़ती गई कई विवादों की कड़ियाँ। उस विवाद में एक ये भी कड़ी थी कि कैसे उनके नाम के नोटों को बंद कर दिया जवाहरलाल नेहरू ने। फिर एक विवाद ये भी हुआ कि ताशकंद में जब लाल बहादुर शास्त्री शांति समझौता कर रहे थे तब एक तस्वीर में सुभाष चंद्र बोस दिखने लगे। जी हाँ, अलग अलग दावों में अलग अलग बात प्रतीत होती है, लेकिन आज के समीकरण में बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सुभाष बाबू किसी ना किसी पार्टी के लिए एक वोट बैंक है। जी हाँ, मैं इस शब्द को बोलने से झिझकूंगा नहीं कि सुभाष बाबू की मौत को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रही है भारत की राजनीतिक पार्टी। जी हाँ, चाहे वह भाजपा हो या फिर बंगाल में TMC हो। जी हाँ, 23 जनवरी को सुभाष बाबू की जन्मदिन पर नरेंद्र मोदी कोलकाता आएंगे एवं ममता बनर्जी दार्जिलिंग वाले इलाके में आएंगे। जी हाँ, उस दिन वे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिंपति के थ्रू बांधना चाहेंगे क्योंकि आगामी चुनाव में वे लोग उन्हें वोट दे सकें। लेकिन आज के हालात में सुभाष बाबू को हम कैसे समझ सकते हैं? सुभाष बाबू की मौत की राजनीति इस तरीके से गरमाई हुई है कि अमित शाह ने बयान दिया कि वे कमेटी बनाएंगे जिसमें सुभाष बाबू की मौत से रिलेटेड तथ्यों को बाहर निकालेंगे। तो ममता बनर्जी कहाँ पीछे हटने वाली थी? ममता बनर्जी ने भी एक आंदोलन कर दिया कि वे भी एक कमेटी बनाएंगे और सुभाष बाबू की मौत के ले हुए सारे रहस्य को बाहर लाएंगे। देखिए, रहस्य किसी एक व्यक्ति की मौत से जुड़ा लेकिन वो कितने ही लोगों के लिए वोट बैंक बना। जी हाँ, सुभाष बाबू हमेशा से अपनी आवाज़ उठाने के लिए जाने जाते थे लेकिन इन राजनीतिक पार्टीज़ ने अपने वोट बैंक एवं अपने सियासती करियर को उठाने के लिए सुभाष बाबू का इस्तेमाल किया। इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों का भी दोष है क्योंकि आज़ादी के वे फ्रीडम फाइटर्स, चाहे वह लाल बहादुर शास्त्री हो या फिर सुभाष चंद्र बोस हो, जिन्हें हमने भुला दिया। जी हाँ, क्या सिर्फ जन्मदिन के समय इन लोगों को याद करना क्या उनके काम एवं उनके बलिदान के बराबर है? ये हमें और आपको सोचना होगा। खैर, जाने से पहले अंतिम बात ये ज़रूर कहूँगा कि सुभाष बाबू ने जैसे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई, अपने हकों की मांग की, वैसे ही आप आने वाले चुनाव में सोच समझ कर चुनाव करिएगा अपने MLAs का, अपने विधायकों का। जो लोग आपके लिए काम करें आप उन्हें चुनिए।
आपका साथ दे, आप उन्हें चुने और अपना साथ इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को देते रहिए, क्योंकि आपके साथ से हम मजबूत होते हैं और हमारे साथ से लोकतंत्र।